मैं शुरू करूंगा उन बातों से, लेकिन समय के पाबंदी पर ध्यान रखिएगा लंबोदर जी, एकदम समय के पाबंदी पर ध्यान रखिएगा, समय सरकार को उत्तर देना है। चलिए शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का वक्तव्य हो रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे थे, दल और दिल की बात कर रहे थे। तो चूंकि माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, सदन नेता हैं और कई दिनों से सदन में दिख भी नहीं रहे, तो महोदय हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, चूंकि मुख्यमंत्री जी उनके बात पर हमको कुछ नहीं करना, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा महोदय, कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहूंगा और ये पंक्तियां मुख्यमंत्री जी के लिए ही समर्पित है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। महोदय वही दल और दिल का परिणाम है महोदय, कि रामगढ़ की जनता ने रामगढ़ के उपचुनाव में महोदय इधर केला दे दिया, उधर छिलका कर दिया महोदय, ये इसी दल और दिल का परिणाम है महोदय। अब महोदय एक कहावत है महोदय, एक कहावत है महोदय कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बादल बरसता है वो गरजता नहीं। महोदय ऐसा ही ये सुखद संयोग है झारखंड का कि विभाग कृषि और मंत्री बादल, निश्चित रूप से कृषि और बादल दोनों में अन्योन्याश्रय, और सचमुच अगर ये बादल गरजते और ये बादल गरजने के बदल बरसते तो निश्चित रूप से झारखंड में आज सुखाड़ नहीं होता महोदय। और इनका जो विभाग है महोदय और इनका जो डाटा है महोदय, हम उसी की बात करते हैं, ये डाटा है महोदय झारखंड सरकार का ही कृषि विभाग का है महोदय। और ये महोदय मात्र 17 दिन बचे हैं इस वित्तीय वर्ष में, हम 22-23 की बात करें महोदय, मात्र 17.41% ही अभी तक खर्च हुआ कृषि विभाग में, और पूरे अभर बात करें, पशुपालन की बात करें, गव विकास की बात करें, सहकारिता की बात करें, तो महोदय मात्र 22.4% ही अभी तक इनका खर्च हुआ महोदय। और फिर अभी देखिए 4.3 करोड़ का ये इस वित्तीय वर्ष का बजट, 12% बढ़ोतरी, निश्चित रूप से महोदय इनका ये जो आंकड़ा है ये निश्चित रूप से आंकड़ों के बाजीगर है, बादल जी आंकड़ों के बाजीगर है। और इनके बाजीगरी पर दो पंक्तियां हैं महोदय, कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। निश्चित रूप से महोदय हम बात करें इन्हीं के विभाग की बात करते हैं महोदय, तो अभी तक जो हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे ओवरऑल 22.4% ही है, और मात्र महोदय अभी बचे, अभी जो इनका बजट का पुस्तक है महोदय हम लोग उसी का अध्ययन कर रहे थे, इन्हीं का डाटा है कि जो SLBC का रिपोर्ट है उसके हिसाब से 8 लाख स्टैंडर्ड KCC ऋणी किसान है, और अगर सच्चाई देखें तो महोदय 9,58,000 से ज्यादा किसान जो कर्ज से दबे हुए, और महोदय इन्हीं का आंकड़ा है कि अब तक 4,47,003 किसानों को ही लोगों ने कर्ज माफी का, वो भी 50,000 तक का लाभ पहुंचा है महोदय, और इन लोगों ने अभी तक मात्र 1782.22 करोड़ रुपए ही इन लोगों ने कर्ज माफी के रूप में बांटा महोदय, जबकि सच्चाई क्या है महोदय 9,58,000 से ज्यादा किसान कर्जदार है और 7,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है इन किसानों पर महोदय, और सच्चाई ये है कि अभी भी 5,11,000 किसान कर्ज से दबे हुए हैं, आत्महत्या करने को विवश हो रहे महोदय, और अभी भी 5,282 करोड़ का कर्ज इन किसानों के कंधे पर है महोदय। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि जो 5,11,000 किसान जो कर्जदार हैं, इनके ऊपर जो 5,282 रुपये का कर्ज है, सरकार इसको संज्ञान में ले, उसको माफ करने का काम करे महोदय। ये अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।